सरकार को थोड़ी देर से मांगा है 2018 से, इसमें फंडिंग का इशू है, तो अगर ये हो जाएगा तो सर हमारे लिए जो है कार्ड बुक कर रखना जो आसान हो जाएगा। इसमें हमारे पीजे हैं और 2 फील्ड की वैकेंसीज हैं, बाकी सर मिनिस्ट्री स्टाफ की वैकेंसीज हैं। हमारे जितने भी साइबर सिस्टम पे आ गए हैं, तो जो मेरी कोर्ट है उसमें हम डेली जो उसका प्रोसीडिंग्स भी अपलोड करते हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं सर उनके रिकॉर्ड तो सारा आ गया है सिस्टम पे, बट अभी डेली प्रोसीडिंग्स जो है वो कम्प्लीटली नहीं हो रही है, तो आने वाले 10-15 दिन में उनका भी अपडेशन हो जाएगी, तो वो भी जो डेली प्रोसीडिंग्स है वो सिस्टम पे अपलोड करेंगे, जो हमारा डेली इफेक्टिव आर्डर पास करते हैं दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट, ये सर जो लैंड रिट्रीवल का जो है सर, ये हमारा टोटल जो इनक्लोज लैंड थी और इसमें क्वांटम ऑफ लैंड रिट्रीव्ड है, सो सर जो बाकी है आप उस पे सर जो बाकी मोस्ट जो पोर्शन रह गया है वो रह गया है रेजिडेंशियल एंड कंस्ट्रक्ट, जो आप लिख रहे हो ना बोर्ड या इस तरह से, ये चट्टान है सर, चट्टान है वो जमीन मालिक की है, ग्रेजुएशन है वो 2500 ले रहे हैं और हमारा पटवारी जो 36 नफा जात का काम करता है, बड़े अफसोस की बात है। क्रिप करते रहे नहीं साहब, कैसे करना है, जैसे वो कहते हैं कि जुडीक महकमा है जो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है और जो सबसे ज़्यादा जमीन से जुड़ा हुआ है और लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली दिस स्टाफ कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी। धन्यवाद करता हूँ सर, सारी चीज़ का जो रिव्यू दिया गया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो छोड़ना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मेनली डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में। गवर्नमेंट चाहती है कि सबको लैंड पासबुक 15 अगस्त से पहले मिल जाए, तो उससे रिलेटेड भी इसका रिव्यू किया गया और जिसमें मुझे पूरा उम्मीद है कि हम उसमें पूरा कर पाएंगे, 15 अगस्त से पहले सबको लैंड पासबुक पूंछ जिले में।